students, a very warm welcome to the CLAT Extreme 50 batch, which is a one-stop solution for your CLAT, SLAT, ALET and LSAT exam. So we are going to offer you the best of the content which will help you get into your dream law college, that is your top national law schools. So that way we are going to provide you the best of content, like har subject ka, chahe wo contract hai, chahe wo constitution hai, chahe wo aapka criminal laws hai, everything, har cheez ko hum deeply cover karenge aur uske saath hi jaise aapke comprehension based questions aate hain hum wo bhi practice karenge. So aaj ki class ka topic hai criminal law, jisme hum janenge ki criminal law hota kya hai aur uska ek important aspect bhi cover karenge, and on the basis of that jo aapka previous years mein is topic पे क्रिमिनल लॉज पे जो क्वेश्चंस आए हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं. नाउ लेट अस हैव अ क्विक लुक एट द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एसेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, दैट व्हेनेवर यू वांट टू पनिश समवन फॉर कमिटिंग अ क्राइम, तो आपको क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर क्रिमिनल लॉज. आपका प्रीवियस ईयर में उससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, उस पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, या उससे पहले उस पर प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते थे. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन वी विल सॉल्व टू पैसेजेस. वन इज फ्रॉम योर क्लैट 2023, यानी कि जो आपका क्लैट 2023 का पेपर था उसी में से एक पैसेज जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड द नेक्स्ट पैसेज इज टेकन फ्रॉम योर क्लैट 2020 एग्जाम. सो दिस वे दिस क्लास इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट योर एसेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, एंड द सेकेंड थिंग वी विल बी कवरिंग इज योर कॉमन इंटेंशन. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद द क्लास. सो एसेंशियल्स ऑफ अ क्राइम के लिए सबसे पहले हम एक लीगल मैक्सिम देखते हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है. देयर इज अ लीगल मैक्सिम. तो वो लीगल मैक्सिम क्या है? इट सेज दैट एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया. सो दिस इज द मैक्सिम विच इज एसोसिएटेड विद इट, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया. इसका मतलब क्या है? ये मैक्सिम कहती है इन ऑर्डर टू पनिश समवन फॉर अ क्राइम, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, हम कब किसी के एक्ट को, कब किसी के एक पर्टिकुलर ओमिशन को या कमिशन को उसको क्राइम कहेंगे, उसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. सो इट सेज दैट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, two essentials must exist. ये दो conditions या दो ये factors जरूर exist करने चाहिए. अब वो दो factors क्या है? Those two factors are, one is your actus rea, another one is your mens rea. अब इनका मतलब क्या है? एक्टस रिया और मेंस रिया ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, जिसमें एक्टस रिया का मतलब है, एक्टस रिया मींस अ प्रोहिबिटेड एक्ट, यानी कि एक कोई ऐसा एक्ट जो आप अगर कमिट करोगे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है, यानी कि इट इज नॉट परमिटेड बाय लॉ. ठीक है. मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया मींस गिल्टी इंटेंशन. अब गिल्टी इंटेंशन क्या होती है? इसका मतलब है कि जब आप कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हो या एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ करते हो और उसके साथ साथ आपकी गिल्टी इंटेंशन है. गिल्टी इंटेंशन कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की इंटेंशन है, या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की इंटेंशन है, या उसके रिलेटिव या फैमिली मेंबर को कोई हार्म पहुंचाने की इंटेंशन है, तो वो क्या है? गिल्टी इंटेंशन या मेंस रिया. अब जब भी ये लीगल मैक्सिम का क्या मतलब हुआ कि जब भी किसी व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए पनिश करना है, वेन एवर यू वॉन्ट टू पनिश अ पर्सन फॉर हिज एक्ट, दीज टू कंडीशंस मस्ट को एग्जिस्ट. ये दोनों कंडीशंस
कोएग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि उसका जो एक्ट है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए और दूसरा उसकी गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कई बार क्या होता है, किसी पर्सन का जो एक्ट है वो एक्टिस रियस की कैटेगरी में तो आ जाता है बट उसके साथ मेंस रिया नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी ट्राइज टू अटैक ऑन मी, कोई मुझ पर अटैक करता है और मैं अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति की को कुछ इंजरी कॉज कर देती हूं या उसकी डेथ कॉज कर देती हूं, तो मेरी क्या लायबिलिटी होगी? तो सेल्फ डिफेंस इज एन एक्सेप्शन, यानी कि यहां पर आपका मेंस रिया नहीं है, यू डोंट इंटेंड टू किल दैट पर्सन, हियर योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सो सेल्फ डिफेंस में वी कैन से देर इज नो मेंस रिया, देर इज नो इंटेंशन टू कॉज हार्म, अननेसेसरी हार्म टू एनीवन। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एक और चीज देखें, सपोज इफ यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ हैंगमैन, जब भी किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है, यानी कि किसी को फांसी पे लटका दिया जाएगा क्योंकि उसने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, तो डेथ पेनल्टी पे लटकाता कौन है? उसको लटकाने वाला होता है एक हैंगमैन। तो हैंगमैन भी तो किसी की जान ले रहा है, तो वो भी तो एक गलत एक्ट कर रहा है, तो क्या उसको पनिशमेंट मिलती है? नो, बिकॉज उसका जो एक्ट है इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ और इट इज परमिटेड बाय लॉ। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में हो सकता है हमें लगे कि इसका जो एक्ट है वो रॉन्गफुल एक्ट है या एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, बट अगर वो किसी लीगल सैंक्शन के साथ किया गया है, यानी कि किसी लीगल अथॉरिटी के साथ किया गया है, तो वो एक्ट एक्सक्यूजेबल है, यानी कि फिर उसकी आपको सजा नहीं मिलेगी। सो ऑल इन ऑल वी कैन से एक्टिस रियस और मेंस रिया दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट करेंगी, तभी हम किसी व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर द सेम। इसका एक और एग्जाम्पल है, सपोज देयर वाज अ मॉब व्हिच हैज गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ अ कोर्ट, एक कोर्ट के सामने बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो कोर्ट पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। नाउ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स आस्क्स हिज सबॉर्डिनेट, जो उसके जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्ट करता है टू शूट on those people who are attacking the court premises. Now, when they were shooting one of the person who was a part of the mob, he dies. Now, what is the liability of this junior officer? क्या उसने उसकी intention थी? क्या उसका guilty act था? No, क्योंकि guilty act नहीं है, उसका act prohibited by law नहीं है. So, his act is does not fall under the category of actus reus. क्यों? Because उसका जो act है it is justified by law, या उसका जो act है it is sanctioned by law, क्योंकि उसने अपने superior के orders पर ये काम किया है। So that way there are various instances where we might feel that actus reus is there, the person is doing an unlawful act, but there are certain exceptions to this particular rule also. So basic condition, what you need to remember, the general rule is that if you want to, if the court wants to punish someone for an offense, these two conditions, that is actus reus and mens reus, must coexist. ठीक है, अब इसके साथ, अब now let us move on to the next concept that is related to your common intention. अब intention क्या है? जो हमारे मन में भावना है। Common मतलब कि कई लोगों की मिलकर एक साथ एक जैसी सिचुएशन में है या वो एक ऑफेंस कमिट करना चाहते हैं मिलके, उसे हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन डिफाइंड कहां है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। आईपीसी इज योर इंडियन पीनल कोड। तो आईपीसी डिफाइन है हमारा, आईपीसी में 34 सेक्शन डिफाइन करता है क्या? इट डिफाइन्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये क्या कहता है? वेन एवर टू और मोर पीपल, सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है? टू और मोर पीपल, दो या ज्यादा से ज्यादा लोग, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सेकेंड पॉइंट इज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन मतलब उनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स है या उनका एक प्री अरेंज्ड प्लान है। सो व्हाट इज कॉमन इंटेंशन हियर मींस? इट मींस ईदर देयर इज अ प्री अरेंज्ड प्लान और देयर इज अ
meeting of minds. Suppose a group of 2-3 people, they plan to commit theft in someone's house. वहां पर उन तीनों की क्या है? Common intention है. क्या है? To commit theft. So there should be pre-arranged plan. They have planned for it. Or there is meeting of minds. Meeting of minds मतलब everybody is on the same page. Everybody has the intention of committing a theft. अब इसके बाद third point क्या होगा? Third point will be two or more people in furtherance of common in furtherance of common intention do a criminal act. यानी कि in furtherance of common intention, अपनी common intention के furtherance में वो एक criminal act करते हैं. यानी कि an act which is prohibited by law, or an act if done will be punished by law. So that way two or more people in furtherance of common intention do a criminal act. वो कोई criminal act करते हैं, then each one will be punished in the same manner. तो सबको एक जैसी एक समान पनिशमेंट दी जाएगी. Now let me explain it to you with the help of an example. Suppose there is a group of friends और वो प्लान करते हैं कि दे आर गोइंग टू कमिट अ थेफ्ट इन समवन्स हाउस. अब उसमें चार लोग हैं, चारों की अलग अलग ड्यूटी है. एक गाड़ी चलाकर लेके जाएगा, बाहर इंतजार करेगा, दूसरा घर के बाहर इंतजार करेगा, और बाकी के जो दो हैं वो घर के अंदर जाकर चोरी कर वापस आ जाएंगे. तो इन चारों में क्या थी? कॉमन इंटेंशन थी. चारों की इंटेंशन क्या है? टू कमिट अ थेफ्ट. So what is theft? It is a criminal act. यानी कि it is prohibited by law. अब ये चारों की, अब सबके act अलग अलग हैं. Even though जो लोग घर के बाहर हैं वो अंदर चोरी करने के लिए नहीं गए, but they are also part of it. उनकी भी common intention है to commit a theft. They are assisting their friends in committing of theft. तो यहां पर जब भी वो घर में वो चोरी कंप्लीट हो जाती है, तो ऑल फोर ऑफ देम, दोस टू हु आर वेटिंग आउटसाइड एंड दोस टू हु आर इनसाइड द हाउस, दे ऑल विल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर. चारों को एक जैसी पनिशमेंट दी जाएगी, बिकॉज दे हैड कॉमन इंटेंशन. यानी कि उन सबका देर वॉज अ प्री अरेंज्ड प्लान और देर वॉज अ मीटिंग ऑफ माइंड बिटवीन ऑल ऑफ देम. ठीक है. अब इसमें एक और चीज है. अब उनका प्लान था कि वो घर में जाके चोरी करेंगे, बट वन अमंगस्ट देम, उनमें से जो एक व्यक्ति घर में गया, उसने वहां पर किसी एक फीमेल का रेप भी कमिट कर दिया. तो क्या रेप की भी सबको पनिशमेंट मिलेगी? नहीं, क्योंकि रेप की कमिट करने की कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी. वो तो उस पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की इंटेंशन थी, तो उसकी सजा सिर्फ उसे ही मिलेगी. ठीक है. सो कॉमन इंटेंशन में सिर्फ उस ऑफेंस की सजा मिलती है सबको जिसको लेके सबने प्री अरेंज प्लान बनाया है. तो यहां पर इस इंस्टेंस में प्री अरेंज प्लान किस चीज का था? थेफ्ट कमिट करने का. तो सबको किस चीज की पनिशमेंट मिलेगी? थेफ्ट कमिट करने की. ठीक है. तो बट अब इसी में एक और एक एडिशनल पॉइंट है. इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि सपोज आपको पता है जो आपके दोस्त दो अंदर गए हैं वो अपने साथ गन कैरी कर रहे हैं, और आपको पता है, आप लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम गोली चला देंगे. अब गोली चलाता है उनमें से कोई, चारों में से जो दो अंदर गए हैं उनमें से कोई एक गोली चला देता है और किसी की डेथ कॉज हो जाती है, तो क्या जो दो बाहर खड़े थे उनको भी मर्डर की एलिगेशन लगेगी? क्योंकि उन्होंने तो शूट नहीं किया. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इन दिस केस चाहे जो दो लोग बाहर भी खड़े हैं उनको भी मर्डर का चार्ज उन पर लगेगा. क्यों? क्योंकि जब प्लानिंग हो रही थी, प्री अरेंज प्लान और मीटिंग ऑफ माइंड्स, तो उनकी नॉलेज में था कि जो दो लोग अंदर गए हैं उनके पास वेपन है और जरूरत पड़ेगी तो वो फायर भी करेंगे जिससे किसी की डेथ हो सकती है. सो जब उनकी नॉलेज में है कि ये चीज हो सकती है, रीजनेबल आउटकम हो सकता है वो इस एक्ट का, तो उसके लिए भी चारों को इक्वली लायबल बनाया जाएगा. ठीक है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कॉमन इंटेंशन क्या होता है, उसके एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं जब आप कॉमन इंटेंशन के लिए किसी को पनिश करना चाहते हो.
अब हमने कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व क्यों किया या व्हाई डू वी नीड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इंटेंशन? व्हाई? बिकॉज कॉमन इंटेंशन से हम लायबिलिटी ग्रुप ऑफेंसेस को प्रोहिबिट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब भी किसी पर कॉमन इंटेंशन का सेक्शन लग जाता है कुछ लोगों पर, तो उनकी पनिशमेंट ऑटोमेटिकली सबकी सेम हो जाती है. यानी कि जिस किसी ने सबसे सीवियरेस्ट, सबसे हार्शेस्ट ऑफेंस किया है, वो चारों पर, जितने भी लोग होंगे ग्रुप में, उन सब पर एप्लीकेबल होगा. सो द व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस सेक्शन? सो एज टू डेटर, सो एज टू प्रोहिबिट people from committing group offenses. क्योंकि group offenses में there is a possibility कि harm ज़्यादा cause होगा. तो इस तरीके से ज़्यादा harm को रोकने के लिए, group offenses को commit करने से रोकने के लिए हमने ये section बनाया 34, ताकि लोग group offenses commit ना करें. ठीक है? So I hope you all have understood these two interesting concepts, actus reus, mens rea वाला. That is, to constitute a crime, two things must coexist, actus reus and mens rea. एंड कॉमन इंटेंशन के लिए क्या पढ़ा हमने? जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके दे हैव मेड अ प्लान, देयर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड, दे हैव अ कॉमन इंटेंशन. व्हाट इज द कॉमन इंटेंशन फॉर? टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट. ठीक है? कॉमन इंटेंशन किस लिए है? क्रिमिनल एक्ट को कमिट करने के लिए. तो फिर क्या होगा जब वो क्रिमिनल एक्ट कंप्लीट हो गया? तो जितने भी लोग उसके हिस्सा थे, उन सबको इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी. ठीक है? सो दीज आर टू इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. अब इनके बेसिस पे ही हम कुछ पैसेज एंड क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करते हैं. सो द फर्स्ट वन वी हैव, द फर्स्ट पैसेज वी हैव इज कॉशिंग अ केस ऑफ क्रुएलिटी दैट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट मैन बाय हिज वाइफ. द बॉम्बे हाईकोर्ट सेड दैट इफ अ मैरिड लेडी, सो दिस केस, this passage relates to which offense? It relates to offense of cruelty. So quashing kya hota hai? Quashing means setting aside a case. ठीक है? Now the case does not exist anymore. So court ने cruelty का case quash कर दिया, यानी कि उसको खत्म कर दिया, against जो कि एक male के against, एक man के against file किया था उसकी wife ने. The Bombay High Court said, Bombay High Court ने कहा that if a married lady is asked to do household work for the family, it cannot be said that she is treated like a maid servant. यानी कि जब भी घर में किसी फीमेल को कहा जाता है कि आप फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ काम कर दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर की मेड की तरह ट्रीट किया जा रहा है. ठीक है? The court was hearing an application by the husband and his parents seeking the proceeding against them are quashed. तो ये कोर्ट क्या एप्लीकेशन सुन रहा था? कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी हस्बैंड ने और उसके फैमिली मेंबर्स ने कि जो उन पर क्रुएलिटी का चार्ज लगाया गया है, क्रुएलिटी की एफआईआर हुई है, उसको कॉश कर दिया जाए, यानी कि उस एफआईआर को कैंसिल कर दिया जाए. देन अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर वाज फाइल्ड अगेंस्ट द ट्रायो. ट्रायो कौन है? हस्बैंड एंड हिज पेरेंट्स. इनके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज कराई गई इन सेप्टेंबर 2020, अराउंड 9 months आफ्टर द मैरिज. यानी कि मैरिज के जस्ट 9 महीने बाद एक एफआईआर रजिस्टर कराई गई हस्बैंड और उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट, अलेजिंग दैट दे हैव हाउंडेड द वुमेन फॉर मनी टू परचेज अ कार. कि उन्होंने उसको पुश किया है, उसको प्रेशर किया कि तुम घर से पैसे लेके आओ टू परचेज अ कार, एंड हरास्ड हर मेंटली, और उसको मेंटली हरास किया और फिजिकली हरास किया, और ट्रीटेड हर लाइक अ मेड सर्वेंट, और उसको घर के नौकरानी की तरह उसको ट्रीट किया. ये किसने अलेज किया? वाइफ ने. ठीक है? और उसकी एक एफआईआर रजिस्टर करा दी. देन एग्जामिनिंग द एविडेंस, जो एविडेंस प्रेजेंट हुए कोर्ट में, उसको एग्जामिन करने के बाद कोर्ट फाउंड, कोर्ट को पता चला दैट देयर वॉज नो मेरिट टू द वुमेन्स एलिगेशन. कि जो भी उस वुमेन ने एलिगेशन लगाई है कि वो उससे गाड़ी लेने के लिए पैसे मंगवा रहे हैं या उसको सर्वेंट की तरह रख रहे हैं, उसके एविडेंस में या उसके आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी दम नहीं था. देन द कोर्ट सेड दैट थ्रू, दो द एफआईआर सेज दैट शी वाज ट्रीटेड प्रॉपरली फॉर अबाउट अ 9 month एंड देन लाइक अ मेड सर्वेंट, देयर आर नो डिटेल्स ऑफ व्हाट दिस मेंट. कि जो उसने एलिगेशन लगाई है ना कि आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ सर्वेंट, उसके कुछ भी एविडेंस ऐसे नहीं पाए गए हैं. तो इसका क्रक्स क्या है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने या बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ आप घर का कुछ काम कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यू आर ट्रीटेड लाइक अ मेड सर्वेंट. नाउ आफ्टर दिस द कोर्ट एडेड, कोर्ट ने क्या कहा? इफ अ मैरिड लेडी इज आस्क्ड टू डू अ हाउस होल्ड वर्क
फॉर द पर्पज ऑफ द फैमिली इट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज लाइक अ मेड सर्वेंट. कि जस्ट बिकॉज एक मैरिड फीमेल लेडी से उसके इन लॉज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर का कुछ काम करे, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट शी इज ट्रीटेड लाइक अ मेड सर्वेंट. The court held that the mere use of the word harassment, mentally and physically, in the FIR is not sufficient to constitute an offence under Section 498A. तो 498A क्या है? Section 498A of IPC talks about cruelty. कि आपको cruelty के लिए अगर किसी को punish करना है, तो you file an FIR under Section 498A. सो कोर्ट ने कहा जस्ट बिकॉज आपने एफआईआर में ये लिख दिया कि आपको मेंटली हरास किया गया है और फिजिकली हरास किया गया है, वो सफिशिएंट नहीं है कि आपकी एलिगेशंस प्रूव हो गई अंडर 498A व्हिच पनिशेस. सो 498A क्या करता है? पनिशेस द हस्बैंड और अ रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड. किस किस को पनिश करता है क्रुएलिटी के अंडर? हस्बैंड को और उसके रिलेटिव्स को भी. Relatives of the husband of a woman who subjects her to cruelty, जो उसके साथ cruelty करते हैं. Cruelty किसी भी form में हो सकती है, physical cruelty भी हो सकती है, mental cruelty भी हो सकती है. In any way, it is interesting to note that section 498 of IPC also provides that if a married woman is actually treated like a maid servant, it would be an offence under that section. तो 498 ये भी कहता है क्रुएलिटी का मतलब कि अगर आप किसी को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो या मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्रुएलिटी. सो क्रुएलिटी सबको समझ में आया. तो वो कैसे डिटरमिन होता है कि कोई जो एक्ट है वो क्रुएल है या नहीं है? वो कोर्ट डिसाइड करता है. जो भी दोनों पार्टीज कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करती हैं, उसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये क्रुएलिटी है या नहीं है. अब सिर्फ कोई आपको घर का काम करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगेंस्ट क्रुएलिटी कमिट की जा रही है और आप पुलिस में जाके FIR दर्ज करा दो कि जी ये मेरे से तो सारा घर का काम करवाते हैं, मुझे मेड की तरह रखते हैं, मैं तो इनके अगेंस्ट FIR दर्ज कराना चाहती हूँ कि ये तो मेरे अगेंस्ट क्रुएलिटी कमिट कर रहे हैं. और क्रुएलिटी FIR किसके अगेंस्ट होती है? हस्बैंड के अगेंस्ट और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी हो सकती है. ठीक है, अब इसके बेसिस पे लेट अस सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज अश्विन एंड आशिमा वर मैरिड इन फेब्रुअरी 2020. इन मार्च 2020 अश्विन आस्क्ड आशिमा टू टेक केयर ऑफ ऑल देयर हाउसहोल्ड वर्क सच एज कुकिंग, क्लीनिंग एंड अदर डोमेस्टिक कोर्स as he was very busy with his professional responsibilities. Ashima and Ashwin, their husband wife, unki february 2020 mein shaadi hui. March mein uska husband usko kehta hai wife ko ki kyunki meri professional responsibilities bahut zyada hain to tum thoda ghar ke kaam mein haath bada do. Then Ashima claims that this amounts to treating her like a maid servant. To Ashima kehti hai iska to ye matlab ho gaya ki tum mujhe maid ki tarah treat kar rahe ho. And constitutes an offence under section 498A of the IPC. Now, क्या आपको इस statement से, जो husband ने statement दी है, क्या आपको लगता है इससे cruelty हुई है? Now, let us go through the options first. So, applying the Bombay High Court decision, यानी कि जो हमने passage में पढ़ा, उसके principle को apply करके हमें solve करना है इस question को. तो क्या इसमें cruelty का charge लगेगा? A option कहता है yes. Since Ashwin had only asked Ashima to do their household work and not for others, B says no. Since Ashwin had only asked Ashima to do their household work and not for others, and then yes, since Ashwin had asked Ashima to do household work for themselves as well as others, D says no. Since treating a married woman like a maid servant would not amount to an offence under this, ये तो rule out ही हो गया. अब इसमें इसने किसके लिए काम करने के लिए कहा था? टू टेक केयर ऑफ ऑल देयर हाउसहोल्ड वर्क एंड इज लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड अदर डोमेस्टिक कोर्स एज ही वॉज वेरी बिजी. अब यहां पर ये तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो किसी और के लिए काम कराने के लिए कह रहा है. वो तो सिर्फ उनके घर का काम, जो भी खाना बनाना है या थोड़े छोटे मोटे काम है, वो करने के लिए कह रहा है. सो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि अश्विन ने सिर्फ उनके हाउस होल्ड का काम करने के लिए कहा है, दूसरों के घर जाके काम करके आने के लिए नहीं कहा है. क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट भी क्या कह रहा है कि जस्ट बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सम हाउस होल्ड वर्क, इट डज नॉट अमाउंट टू बींग ट्रीटेड एज अ मेड सर्वेंट. ठीक है, सो जो फर्स्ट पैसेज में ही लाइन थी उसके बेसिस पे इसका आंसर है ऑप्शन बी.
Now, after this, let's move to second question. In April 2020, Ashwin's friend Rakesh visits Ashwin and Ashima's home and stays with them for a few days. अब इनका कोई अश्विन का दोस्त आता है और उनके साथ कुछ दिन रहता है. ड्यूरिंग हिज विजिट ही इज वेरी मीन टू आशिमा. वो आशिमा के साथ बहुत ही मीन बिहेवियर रखता है एंड यूजेस अब्यूजिव लैंग्वेज विद हर. और उसके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है कौन? राकेश. ठीक है. ही ऑल्सो थ्रू अ प्लेट एट हर वन इवनिंग व्हेन शी वॉज अनहैप्पी विद द मील दैट शी हैड प्रिपेयर्ड. तो एक दिन राकेश ने उस पर एक प्लेट भी फेंक के मारी क्योंकि जो उसने खाना बनाया था आशिमा ने वो उसे पसंद नहीं आया. देन आशिमा नाउ क्लेम्स दैट राकेश हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर 498A ऑफ द आईपीसी. इज शी लाइकली टू सक्सीड? नाउ लेट अस ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज दैट वी हैव रेड लेट अस गो थ्रू दिस. नो, सिंस राकेश एक्शंस वर परफेक्टली जस्टिसेबल फॉर अ मैन who does not get a well-cooked meal. So, this is not justified. Just because आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी पर प्लेट फेंक के मार दोगे. तो ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है. Then, yes, since Rakesh use of abusive language and throwing the plate at Ashima clearly amount to cruelty. सी क्या कहता है? No, since Rakesh is not her husband and nor she is related to Ashwin. डी कहता है yes, since Rakesh was staying at Ashwin and Ashima's home at the time of incident. तो क्या होगा? क्या उसका action succeed होगा? Will she be able to claim action against Rakesh under 498A? But 498 हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ husband और उसके relatives के against हो सकता है, not against the friends. तो friend के against हो सकता है वो किसी और section के under claim करे, but not under 498A. So is she likely to succeed? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. तो इसका मतलब ये नहीं कि राकेश को कोई सजा नहीं मिलेगी. उसको सजा मिलेगी बट नॉट अंडर 498A. उसको और किसी सेक्शन के अंदर जैसे ग्रीवियस हर्ट या हर्ट के अंदर उसको पनिश किया जा सकता है और सी बट नॉट अंडर 498A क्योंकि 498A तो हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के लिए ही बनाया गया है. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्योंकि राकेश ना तो उसका हस्बैंड है और ना ही उसका ना ही वो किसी तरीके से रिलेटेड है अश्विन से. तो उसका रिलेटिव भी नहीं है. सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी. थ्री है क्वेश्चन थ्री. फ्रस्ट्रेटेड एंड अपसेट विद हर मैरिज आशिमा अप्लाइज फॉर एंड इज ग्रांटेड अ डिवोर्स फ्रॉम अश्विन इन नवंबर 2020 कि अब ये हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, इनका डिवोर्स हो चुका है. सिंस शी एंड अश्विन हैड बीन फ्रेंड्स फॉर मेनी इयर्स बिफोर दे गॉट मैरिड शी स्टेज इन टच विद हिम. डाइवोर्स के बाद भी दे बोथ आर इन टच विद ईच अदर. शी मूव्स इनटू हर ओन अपार्टमेंट एंड स्टार्ट्स गोइंग टू ऑफिस रेगुलरली एट अ न्यू जॉब. अब वो अपने उसने शिफ्ट कर लिया और अपने नई जॉब पे जाना शुरू कर दिया. अश्विन इज वेरी अपसेट एट दिस एंड स्टार्ट ट्रीटिंग आशिमा वेरी क्रुअली. अब वो दोनों अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो ऑफकोर्स इसका प्रिजम्पशन क्या बना सकते हैं हम पैसेज पे? इस पे क्रुएलिटी का सेक्शन नहीं लगना चाहिए बिकॉज अब उनका डिवोर्स हो चुका है. दे आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ. आशिमा अगेन क्लेम्स दैट अश्विन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर 498A ऑफ आईपीसी. तो क्या 498A आईपीसी अप्लाई होगा? नाउ लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चंस. सॉरी ऑप्शंस. ऑप्शन ए सेज यस सिंस अश्विन हैज As we are told, treated her cruelly. कि अश्विन ने उसको cruelly treat किया है तो ये apply होगा. B कहता है yes, since Ashwin has been her husband. No, since Ashwin was understandably upset or Ashima's behavior. No, since she is no longer married to Ashwin. So इसका answer होगा D. So 498A के अंदर आशिमा अश्विन के against action नहीं ले सकती क्योंकि अब वो उसकी wife नहीं है. Then again इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी. उसको रेमेडी मिलेगी बट आईपीसी के कुछ और सेक्शंस के अंदर, बट नॉट अंडर 498A बिकॉज 498A अप्लाइज ओनली अगेंस्ट द हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स. ठीक है. अब जब डिवोर्स हो गया तो मतलब वो उसका हस्बैंड ही नहीं है, तो ये 498A अप्लाई नहीं होगा. नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन. अज्यूम दैट द गवर्नमेंट पासेस अ न्यू लॉ इन जनवरी 2021 called Protection of Rights of Married Women Act 2021, according to which asking a married woman to take care of her household chores would be an offence. तो अभी एक नया लॉ आ गया जो कहता है
कि अगर कि कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि तुम हाउस होल्ड वर्क करो, अपनी वाइफ को कहता है, तो इट विल अमाउंट टू व्हाट? इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस. द प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इफ अ मैन कमिट्स सच एन ऑफेंस, और अगर कोई भी मैन ऐसा ऑफेंस कमिट करता है, ही वुड हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू द वुमेन. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर टर्मिनोलॉजी क्या यूज है, मैन एंड वुमेन. यहां पे हस्बैंड वाइफ की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं है, यहां पे मैन और वुमेन की टर्मिनोलॉजी यूज है. द प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट इवन अप्लाइज टू एक्शन दैट वर कमिटेड एनी टाइम इन 3 years प्रायर टू द न्यू लॉ कमिंग इन टू फोर्स. यानी कि ये क्या कह रहा है, 2021 में ये लॉ आया, तो ये लॉ अप्लाई होगा आज से 3 साल पहले तक के केसेस में भी, यानी कि 2018 तक के केसेस में भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ये कह रही है ये स्टेटमेंट. एंड इवन इफ द मैन वुमेन इन्वॉल्व्ड इन द मैटर वर नो लॉन्गर मैरिड, यानी कि अब ये लॉ उन लोगों पर भी अप्लाई होगा जो कि आज मैरिड नहीं भी हैं. यानी कि 3 साल पहले तक हो सकता है वो मैरिड थे, आज वो अगर मैरिड नहीं भी हैं तो भी ये लॉ उन पर अप्लाई होगा. ठीक है. Then, upon hearing about this new law, Ashima once again alleges that Ashwin has committed an offence. अब क्योंकि उनकी शादी तो 2020 में ही हुई थी, तो उन पर ये law applicable हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये law तो back date में पिछले 3 साल तक apply हो रहा है, और उनकी शादी कब हुई थी, 2020 में, तो ये law उन पर भी applicable है. Hearing about this, Ashima ने फिर से FIR दर्ज कराई under section 498A and claims compensation under protection of women from protection of married women act for his actions. Is she right and will she succeed in her action? क्या उसको relief मिलेगा? Now let us quickly go through the options. Option A कहता है, Ashima is right about Ashwin committing an offence under section 498A, but she will not get compensation under this act. B option कहता है, Ashima will get compensation under this act, but she is not right about Ashwin committing an offence under 498A of the IPC. C option कहता है, Ashima will get compensation under this, and she also can claim right against Ashwin under section 498A of IPC. D कहता है, Ashima will neither get compensation nor she is right about committing an offence under 498A. अब हम यहां की बात करें तो क्या कहता है वो, कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट है, इसके अंडर वो क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट. तो व्हाट हैपेंड इन दिस केस, अकॉर्डिंग टू विच अ मैरिड वुमेन टू टेक केयर ऑफ हर हाउस होल्ड वुड अमाउंट एन ऑफेंस, सच एन ऑफेंस ही वुड हैव टू पे कॉम्पनसेशन. तो यहां पर सिर्फ इस एक्ट ने क्या कहा है कि उस व्यक्ति को सिर्फ कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी. कहीं पर भी इस एक्ट ने, जो नया एक्ट आया, उसने ये नहीं कहा कि आप क्रुएलिटी के अंडर एक्शन ले सकते हो. आपको सिर्फ क्या राइट मिल रहा है, आपको सिर्फ कॉम्पनसेशन का राइट मिल रहा है. आपको ये राइट नहीं मिल रहा कि आप पिछले 3 साल के केसेस में आप FIR दर्ज करा सकते हो. ठीक है. सो यू कैन नॉट क्लेम दैट राइट. हाँ जी. सो अकॉर्डिंगली इसमें क्या होगा, आशिमा को कॉम्पनसेशन तो मिलेगी नए एक्ट के अंडर, ठीक है, बट उसको ये राइट नहीं मिलेगा, 498A वाला राइट नहीं मिलेगा. ठीक है. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आशिमा विल गेट कॉम्पनसेशन अंडर द POM प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट. क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जब ये एक्ट आया 2021 में, उससे पहले 3 साल पहले तक अगर किसी के अगेंस्ट क्रुएलिटी हुई है, अगर किसी के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस क्या, कि जब उसको मेड्स सर्वेंट की तरह ट्रीट किया गया है, तो वहां पर जो मैरिड वुमेन है वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है. तो वो कॉम्पनसेशन तो क्लेम कर सकती है, बट शी इज नॉट राइट अबाउट अश्विन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर 498A. बट इस एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया था कि वो 498A के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती है. सिर्फ क्योंकि कॉम्पनसेशन की बात हुई है, तो सिर्फ कॉम्पनसेशन लेगी, वो 498A के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती. ठीक है. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर बाय द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट अज्यूम दैट इन मार्च 2021 द गवर्नमेंट चेंजेस 498A ऑफ द आईपीसी. अब गवर्नमेंट ने 2021 में मार्च में 498A यानी कि क्रुएलिटी के सेक्शन में कुछ बदलाव किया. The effect of this change is that, इसका effect क्या हुआ, asking a married woman to do household chores,
कि इसका फैक्ट है कि अब कोई विमेन को हाउस होल्ड कोर्स करने के लिए कहेगा, इवन फॉर देयर ओन फैमिली, उनकी खुद की फैमिली के लिए भी बाय हर सेल्फ वुड कंसिडर क्रुएलिटी। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसके ऑपोजिट कह रहा है। तो जो नया अमेंडमेंट आया है, मान लो, सो दिस इज ऑल अजम्पशन, एक्चुअल में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आया, सो हेयर वी आर एज्यूमिंग कि ऐसा अमेंडमेंट आ गया कि अब कोई अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि तुम हाउस होल्ड चोर्स करो और फैमिली के लिए अपना काम करो, तो इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ क्रुएलिटी एंड देयर फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। नाउ सम डेज आफ्टर दिस चेंज कम्स इन टू अफेक्ट, शमिता, अशिमा's friend at work tells her that her husband has been forcing her to do all the household work by herself. अब शमिता अपनी शमिता अशिमा को बताती है कि ये बात है, मेरा हस्बैंड तो मुझे कंपेल करता है घर का काम करने के लिए। अशिमा tells शमिता that her husband's action would amount to an offense under 498A of the IPC, even though अशिमा herself has been unsuccessful in having Ashwin convicted under this section in the past. Is Ashima's advice to Shamita correct? अब क्योंकि आशिमा को खुद को रिलीफ नहीं मिला था 498A के अंडर, क्यों? क्योंकि तब सिर्फ घर के लिए काम करवाना मेड सर्वेंट का मतलब नहीं था, और घर का काम करवाने का मतलब यह नहीं था कि आपके अगेंस्ट क्रुएलिटी कमिट हो रही है। बट नया लॉ कहता है, जो प्रपोज्ड नया लॉ है, अजम्पशन कर रहे हैं हम, नया लॉ कह रहा है कि अगर आपको घर का काम करने के लिए कहा तो इट विल अमाउंट टू क्रुएलिटी। तो शमिता के अगेंस्ट तो क्रुएलिटी हो रही है फिर नए लॉ के अगेंस्ट, तो जो आशिमा का सजेशन है वो सही है। नाउ लेट अस गो थ्रू द ऑप्शंस एंड देन मेक आउट कि क्या है। ऑप्शन ए कहता है, सिंस 498 now has been changed and Shamita's husband action would now be an offense under changed section 498A. Option A कह रहा है क्योंकि अब 498A को बदल दिया गया है, तो नए 498A के अंदर जो शमिता के हस्बैंड के actions हैं वो cruelty के अंदर fall करेंगे। B कहता है, no, since Ashima has been unsuccessful in having Ashwin's convicted under this section in the past. बी कह रहा है क्योंकि आशिमा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सक्सीड नहीं कर पाई थी, तो सिमिलरली शमिता भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सक्सीड नहीं कर पाएगी। सी कहता है, सिंस द पासिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट हैज रिजल्टेड इन शमिताज हस्बैंड्स एक्शंस बीइंग मेड इलीगल। तो यहां पर इस पैसेज में इस पर्टिकुलर एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड वुमेन एक्ट का कोई भी डिस्कशन नहीं है, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। डी कहता है, नो, सिंस Ashima is only Shamita's friend and only the married woman herself can file a complaint under 498A. So, यहां पर इसका आंसर होगा सेक्शन, इस पॉइंट को लेके पैसेज में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, कौन कंप्लेंट नहीं दर्ज करा सकता। तो हमें जो अपना आंसर करना होता है ना, वो कंप्लीटली जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे। तो पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 498A चेंज हो गया और उसके हिसाब से अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को हाउस होल्ड वर्क करने के लिए कहता है, इट विल अमाउंट टू क्रुएलिटी। इसलिए शमिता के हस्बैंड के एक्ट्स विल अमाउंट टू क्रुएलिटी एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रुएलिटी। सो इसमें भी क्या है, हमने क्या देखा, एक्टस रिया और मेंस रिया का रिफ्लेक्शन था पिछले पैसेज में। सो द सेकंड पैसेज नाउ टॉक्स अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इंटेंशन। सो कॉमन इंटेंशन क्या कहता है? कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज अ प्री अरेंज्ड प्लान, यानी कि पहले से ही एक प्लान बना हुआ है, एंड एक्टिंग इन कंसर्ट पर्सुएंट टू द प्लान, और उस प्लान के अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर रहे हो। कॉमन इंटेंशन कम्स इन टू बींग प्रायर टू द कमीशन ऑफ द एक्ट, कि एक्ट के कमिट होने से पहले एक कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कॉमन इंटेंशन comes into being prior, prior मतलब पहले, to the commission of offence, which need not be a long gap. तो जरूरी नहीं है कि intention बनने में और act commit होने में बहुत ज्यादा gap हो। हो सकता है कि offence commit करने से सिर्फ 10 मिनट पहले ही आप लोगों का pre-arranged plan बनाओ, ठीक है? Then to bring common intention into effect, a pre-concert is not necessarily be proved. But it may well develop on the spot as between a number of persons and could be inferred from the facts and circumstances of each case. यानी कि common intention थी या नहीं थी वो vary करेगा from case to case. It will be determined by the court. ठीक है?
Then, for example, A and B caught hold of C, where only B stabbed C with a knife, but A is also liable for murder as there was a pre-concerted action. In the case of अब ए और बी ने मिलकर सी को दबोच लिया और बी ने सी को स्टैब कर दिया. अब मर्डर के लिए सिर्फ बी को सजा नहीं मिलेगी, दोनों को मिलेगी, क्योंकि यहां पे दोनों का प्री अरेंज प्लान था सी को स्टैब करने का. देन इन केस ऑफ पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड ऑन दिस पॉइंट दैट प्रायर कंसर्ट नीड नॉट बी समथिंग ऑलवेज वेरी मच प्रायर टू द इंसिडेंट बट कुड वेल बी समथिंग दैट मे डेवलप ऑन द स्पॉट ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट. इसका मतलब क्या है? इस केस में कहा कि कॉमन इंटेंशन मे बी फॉर्म्ड एट द स्पॉट. ठीक है, हो सकता है एट द स्पॉट, मान लो कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा है और एकदम उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट कह दी जिससे सभी लोगों की भावना अफेक्ट हो गई या उनको हर्ट महसूस हुआ, तो सभी लोग एक साथ अग्रेसिव हो गए और उन्होंने कॉमन कंसर्ट में मिलके उस व्यक्ति को इंजर्ड कर दिया. तो यहां पर भी क्या है? कॉमन इंटेंशन, प्री अरेंज प्लान, सबने एकदम इमीडिएट प्लान करके उसको इंजरी कॉज कर दी. सो कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड इवन एट द स्पर ऑफ मोमेंट, यानी कि इंस्टेंटेनियसली अभी कॉमन इंटेंशन बनी और अगले ही मोमेंट आपने इंजरी कॉज कर दी. नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस इज कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, इनमें क्या डिफरेंस है? सो कॉमन इंटेंशन डज नॉट मीन सिमिलर इंटेंशन, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनका मतलब अलग है. टू कॉन्स्टिट्यूट कॉमन इंटेंशन इट इज नेसेसरी दैट इंटेंशन ऑफ ईच वन ऑफ देम बी नोन टू द रेस्ट ऑफ देम. सो कॉमन इंटेंशन अब हम कब कहेंगे? जब एक की इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को पता है कि हम मिलकर कोई प्लान कर रहे हैं और सबको पता है कि हमारी कॉमन इंटेंशन क्या है. देन शेयर्ड बाय देम, और सभी वो कॉमन इंटेंशन शेयर करते हैं, सबकी नॉलेज में है कि हाँ इसकी भी ये इंटेंशन है, उसकी भी वो इंटेंशन है, वो भी मर्डर करना चाहता है, उसका बी भी मर्डर करना चाहता है, एक दूसरे की नॉलेज में है. ठीक है, इट इज शेयर्ड बाय देम. इन द केस ऑफ दुख मोचन पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन विच डेवलप्ड एट द स्पर ऑफ मोमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन एक्चुएटेड अ नंबर ऑफ पर्सन एट द सेम टाइम. द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन मे बी फाइन बट इज नन द लेस अ रियल वन एंड इफ ओवरलुक्ड इट मे लीड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. सो द मेयर प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड together is not sufficient to hold that they share the common intention. Just because कुछ लोग ग्रुप में खड़े होके एक साथ कोई offense commit कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी common intention थी. ठीक है, in question it is necessary. क्या necessary है? That the intention of each one of several persons to be known to each other for constituting common intention. अब मैं ये आपको एक example देके समझाती हूँ. एक है, एक व्यक्ति है, एक मान लो सपोज ही इज अ पॉलिटिकल लीडर और एक जो कम्युनिटी है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अगेंस्ट देम. अब उस ग्रुप के कुछ लोग उसके अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं, कॉमन इंटेंशन बनाते हैं कि वी विल मर्डर हिम. अब वो जाके उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको मर्डर कर देते हैं. वो क्या है? कॉमन इंटेंशन, यानी कि दैट कॉमन इंटेंशन वो शेयर्ड बाय ईच वन ऑफ देम. सबको पता था कि हमारी कॉमन इंटेंशन क्या है, कि हमें उसे मारना है. तो वहां पर ईच वन ऑफ वॉज अवेयर ऑफ द कॉमन इंटेंशन, कि मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है. अब दूसरा केस, उसने पब्लिकली स्पीच दी. अब एक कम्युनिटी के लोग अलग अलग जगह पर रहते थे, बट उन सब ने, ए ने लखनऊ में सोचा, बी ने दिल्ली में सोचा, सी ने मान लो पटना में सोचा कि हम उस जगह पर जाकर जो वो पॉलिटिकल लीडर है उसको उसका मर्डर कर देंगे. बट इनके आपस में, ए बी सी के आपस में कोई बात नहीं हुई, यानी कि नन ऑफ देम इज अवेयर कि ना ए को पता है कि बी भी मर्डर करने आ रहा है, ना बी को पता है कि सी भी मर्डर करने आ रहा है. तो देयर इज नो शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि इनके बीच में कोई प्री अरेंज प्लान नहीं है. तो तीनों एक जगह पे पहुंचते हैं, इंस्टेंटली ए बी का मर्डर कर देता है या तीनों मिलके उसका मर्डर कर देते हैं. तो वो क्या है? सिमिलर इंटेंशन, मतलब उनकी इंटेंशन सिमिलर है, उस व्यक्ति को मारना है, उसकी डेथ कॉज करनी है, बट कॉमन इंटेंशन नहीं है. क्यों? इट इज नॉट शेयर्ड बिटवीन देम, इट इज नॉट अ प्री अरेंज्ड प्लान. ठीक है, इट वॉज इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियस, और सभी इंडिविजुअल्स का अलग अलग रोल है. ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन. नाउ आफ्टर दिस let's solve the questions. So the first question says a gang of six members went to a bank and armed with weapons to commit a heist.
छह लोगों का ग्रुप एक बैंक में गया एक चोरी करने के लिए, व्हाइल फाइव ऑफ गैंग मेंबर्स वेंट इनसाइड द बैंक, पांच लोग बैंक के अंदर चले गए, मिस्टर ए द सिक्स्थ मेंबर वेटेड आउटसाइड द बैंक टू अलर्ट देम ऑन एनी थ्रेट। जो सिक्स्थ मेंबर था वो बैंक के बाहर रह गया ताकि वो लोगों को अवगत करा सके, जो अंदर उसके दोस्त हैं उनको बता सकते सके अगर कोई खतरा आ जाता है, यानी कि कोई थ्रेट अराइज हो जाता है। देन ड्यूरिंग द हाइस्ट वन ऑफ द गैंग मेंबर्स फायर्ड अ गन एट द ब्रांच मैनेजर, एज अ रिजल्ट ही डाइड। अब चोरी करते हुए अंदर उनमें से किसी एक ने गोली चला दी और उसके अंदर बैंक मैनेजर की डेथ हो गई। ऑल फाइव एस्केप्ड बट मिस्टर ए वॉज कॉट एंड अरेस्टेड। जो अंदर थे वो तो सारे भाग गए, बट जो बाहर था ड्यूटी कर रहा था देख रहा था कि कोई खतरा तो नहीं है, वो बेचारा पकड़ा गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। नाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज पर प्रिंसिपल स्टेटेड इन द अबव पैसेज। अब जो हमने पैसेज में कॉमन इंटेंशन का मतलब समझा उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर करो। ए कहता है मिस्टर ए इज नॉट लायबल फॉर मर्डर एज ही वॉज आउटसाइड द बैंक एंड देयर वॉज नो कॉमन इंटेंशन। बी कहता है मिस्टर ए अलॉन्ग विद ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग आर लायबल फॉर मर्डर एज देयर वॉज कॉमन इंटेंशन। सी कहता है ओनली दैट पर्सन इज लायबल फॉर मर्डर हु एक्चुअली फायर्ड द गन। डी कहता है मिस्टर ए इज लायबल ओनली फॉर द हाइस्ट एंड नॉट फॉर द अदर ऑफेंस। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? देयर वॉज अ कॉमन इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट। अब जब आपको पता है कमिट थेफ्ट कमिट करते वक्त अगर कोई खतरा अराइज होता है तो हो सकता है वो अंदर किसी की डेथ भी कॉज कर देंगे, चाहे गोली आपने खुद में नहीं चलाई, बट ईच वन ऑफ द पर्संस हु फॉर्म्स और शेयर्स द कॉमन इंटेंशन विल बी पनिश्ड एज इफ ही हिमसेल्फ हैज कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, तो जितने भी उस ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सबको मर्डर की सजा होगी क्योंकि उन सबकी कॉमन इंटेंशन थी चोरी करने की और उनको पता था चोरी करते वक्त अगर कोई खतरा अराइज होगा तो वो उसको अगले व्यक्ति को शूट कर सकते हैं, किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो जब कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हो तो वो सफिशियंट है आपको लायबल बनाने के लिए। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, रमन एंड राघव वर राइडिंग अ मोटरसाइकिल ऑन अ बिजी स्ट्रीट, सडनली अमन अनदर बाइकर बम्प्ड इनटू देयर बाइक, और बी जो अमन है उसने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। ए हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड बिटवीन थ्री ऑफ देम, तीनों के बीच में एकदम से बहसबाजी शुरू हो गई। व्हाइल राघव स्टार्टेड अब्यूजिंग अमन, रमन हिट अमन विद आयरन रोड लाइंग ऑन द रोड। राघव ने तो क्या किया, अमन को अब्यूज करना शुरू कर दिया, जबकि रमन ने वहां पर एक आयरन रोड पड़ी थी उसको उससे अमन को हिट कर दिया। ठीक है, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस ही डाइड। कॉन्सिक्वेंस क्या था, किसने मारा था, रमन ने, क्योंकि राघव क्या कर रहा था, राघव तो अब्यूज कर रहा था और रमन ने उसको रॉड से हिट किया जिसकी वजह से अमन की डेथ हो गई। अब इसमें बताइए क्या होगा इसका आंसर। बोथ रमन एंड राघव आर लायबल फॉर मर्डर एज देयर वॉज कॉमन इंटेंशन डेवलप्ड ऑन द स्पॉट। नो, या कोई कॉमन डेवलप, देर वॉज नो प्री अरेंज प्लान, देर वॉज नो मीटिंग ऑफ माइंड, दिस वॉज ऑल स्पॉन्टेनियस। तो ये क्या है, हो सकता है सिमिलर इंटेंशन हो बट कॉमन इंटेंशन नहीं है, इसलिए राघव रमन के एक्ट्स के लिए हम राघव को लायबल नहीं बनाएंगे। राघव इज नॉट लायबल फॉर मर्डर एज देर वॉज नो कॉमन इंटेंशन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहां कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी, दिस वॉज ऑल स्पॉन्टेनियस, देर वॉज नो प्री अरेंज प्लान, देर वॉज नो मीटिंग ऑफ माइंड। C says no one is liable as Aman was a wrongdoer himself and he started the fight. अब यहां पर ये कह रहा है कि किसी की भी गलती नहीं है, तो this is automatically ruled out. D कह रहा है only Raghav is liable for murder as he started abusing Aman. Only Raghav is liable. कैसे हो सकता है Raghav liable? जब उसने हिट ही नहीं किया आयरन रोड से, आयरन रोड से किसने हिट किया, रमन से, ना राघव ने उसको उकसाया ना राघव ने उसके साथ कुछ प्लानिंग की, तो राघव की कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो राघव इज नॉट लायबल, रमन इज लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। ठीक है, थर्ड इज आफ्टर रीडिंग द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए कहता है सिमिलर इंटेंशन इज डेवलप्ड प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस बट द कॉमन इंटेंशन इज डेवलप्ड ओनली एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, बी कहता है, मतलब ए का मतलब क्या हुआ, सिमिलर इंटेंशन में प्री कंसीव्ड, यानी कि पहले एक प्री अरेंज प्लान होता है, जबकि कॉमन इंटेंशन में ऑन द स्पॉट प्लान बनता है। ठीक है,
बी कहता है अंडर कॉमन इंटेंशन ईच ऑफ द ऑफेंडर इज इक्वली लायबल फॉर द ऑफेंस बट अंडर सिमिलर इंटेंशन ईच वन ऑफ द ऑफेंडर इज डिफरेंटली लायबल. बी कह रहा है कॉमन इंटेंशन में जितने भी लोग होते हैं ग्रुप में उन सबकी इक्वल लायबिलिटी होती है विच इज ट्रू, जबकि सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंट लायबिलिटी होती है विच इज ऑल्सो ट्रू. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, जबकि ये दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाई? क्योंकि कॉमन इंटेंशन में हमेशा देयर इज अ प्री अरेंज प्लान, उनकी पहले से ही इंटेंशन बनी हुई होती है. ठीक है, प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये पैसेज में भी ये सेम लाइन लिखी थी कि कॉमन इंटेंशन इज फॉर्म्ड प्रायर टू द एक्ट, एक्ट के कमीशन से पहले कॉमन इंटेंशन बनती है. सी कहता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर कॉमन इंटेंशन वन मस्ट एनालाइज द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केस. ये भी पैसेज में लिखा हुआ था एंड में कि सिमिलर इंटेंशन है या कॉमन इंटेंशन है वो डिटरमिन करेंगे हम केस टू केस. हम कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं ले डाउन कर सकते, वो केस टू केस पे डिपेंड करेगा जिससे हम डिटरमिन करेंगे कि क्या ये सिमिलर इंटेंशन है या ये कॉमन इंटेंशन है. देन द बाउंड्री बिटवीन सिमिलर एंड कॉमन इंटेंशन इज वेरी फाइन, दिस इज ट्रू एंड इट मे समटाइम ओवरलैप, कई बार वो ओवरलैप भी कर सकती है, दोनों में बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है. सो दैट वे कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, इट इज ऑप्शन ए. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट वी हैव मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इनटू हाउस एट नाइट टू कमिट थेफ्ट. व्हाइल कमिटिंग थेफ्ट मिस्टर वाई कमिटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ माइनर गर्ल ऑफ हिज 11 इयर्स. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिस्टर एक्स इज लायबल फॉर. मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई चोरी करने गए थे, वहां मिस्टर वाई ने एक माइनर गर्ल पर असॉल्ट कर दिया, सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, तो अब क्या स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? पहली स्टेटमेंट कहती है बोथ थेफ्ट एंड सेक्सुअल असॉल्ट एज देयर वाज अ कमीशन ऑफ कॉमन इंटेंशन. अब मिस्टर एक्स की क्या लायबिलिटी है? क्या वो थेफ्ट और सेक्सुअल असॉल्ट दोनों के लिए लायबल होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि कॉमन इंटेंशन सिर्फ थेफ्ट कमिट करने की थी, सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करने की नहीं थी. वो क्योंकि मिस्टर वाई ने की है तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ मिस्टर वाई पर आएगी, क्योंकि मिस्टर एक्स ये कभी नहीं सोच सकता, ये रीजनेबली नहीं सोच सकता कि कोई व्यक्ति थेफ्ट कमिट करने चाह रहा है तो वहां पर वो सेक्सुअल असॉल्ट भी कर दे. दिस इज नॉट ए रीजनेबल एप्रीहेंशन. देन ओनली थेफ्ट एज देयर वॉज सिमिलर इंटेंशन, ओनली थेफ्ट एज मिस्टर एक्स हैड अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम मिस्टर वाई. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मिस्टर एक्स की कोई इंटेंशन नहीं थी ऑफ कमिटिंग सेक्सुअल असॉल्ट, यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है. ही वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफेंस. नहीं, थेफ्ट के लिए तो उसकी लायबिलिटी होगी ना, क्योंकि थेफ्ट में तो उसकी कॉमन इंटेंशन थी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसकी इंटेंशन सिर्फ थेफ्ट करने की थी तो उसको पनिशमेंट भी सिर्फ थेफ्ट करने की मिलेगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है इन रिलेशन टू व्हाट? इन रिलेशन टू योर सिमिलर एज वेल एज कॉमन इंटेंशन. ए कहता है द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड एंड को अक्यूज्ड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. ये भी सही है कि उनकी इंटेंशन हम कैसे फैक्ट हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ही हम उनकी इंटेंशन का पता लगाते हैं कि इनकी इंटेंशन थी क्या, क्या कॉमन इंटेंशन थी भी या नहीं. देन अंडर कॉमन इंटेंशन इट इज कंसीडर्ड दैट ऑल द अक्यूज्ड हैव जॉइंटली कमिटेड द ऑफेंस. दिस इज ट्रू कि कॉमन इंटेंशन के अंदर हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि सबकी इक्वल इंटेंशन थी या ऑल अक्यूज्ड हैव जॉइंटली कमिटेड द ऑफेंस एंड दे आर जॉइंटली लायबल, यानी कि सबकी एक साथ ही पनिशमेंट दी जाएगी, इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सी कहता है ईच अक्यूज्ड इज लायबल फॉर द ऑफेंस he has actually committed if the common intention cannot be proved. तो हर एक व्यक्ति को equal ही punishment दी जाएगी, सभी को साथ में punishment दी जाएगी. जिसने मान लो group में 10 लोग हैं, 10 में से किसी वो जैसे हमने bank वाला option देखा, bank वाला question देखा, उसमें murder एक ने किया था but liability सब पे आई थी. ठीक है, तो that way this option is also correct. तो इसका correct answer हो गया option D, that is all of the above. सो फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है, ओके. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास ऑन क्रिमिनल लॉ पार्ट 1.
सिमिलरली वी विल हैव द नेक्स्ट क्लास रिलेटेड टू योर क्रिमिनल लॉज ओनली, बट उसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, मे बी जनरल डिफेंसिस के बारे में बात करेंगे कि हो सकता है आपने ऑफेंस कमिट किया हो, बट आप अपने आप को बचा कैसे सकते हो, खुद को डिफेंड करने के क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किन किन बेसिस पर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, वो हमारे इंडियन पिनल कोड में बताए गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन पैसेजेस आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन फॉर पेइंग अटेंशन टू टुडेज क्लास. इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी आंसरिंग टू योर डाउट्स देयर एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास. So that's all for today's class. Thank you, everyone. Have an amazing day ahead. Thank you.